पे हम मान लेते हैं हमारे पास डायग्राम है इस तरह से हमारे पास क्या है एक टेबल था जिसपे एक टेबल क्या है हमारे पास है, इस पे हमारे पास पास है इस एक एक कोई ब्लॉक रखा गया ठीक तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक रखा गया था इस टेबल पे इस तरह से ब्लॉक था तो यहाँ से क्वेश्चन कह रहा हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक बुलेट यहाँ से हमने गन से उसको फायर किया बुलेट अब बुलेट इस तरह से मोशन करते हुए जा रही होगी मान लेते हैं इस बुलेट की स्पीड कितनी थी स्पीड से बुलेट मोशन करते हुए जा रही है है क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बुलेट इज एंड गेट्स इन ए ब्लॉक बुलेट जाती है इस ब्लॉक के अंदर कर जाती है मतलब कि बुलेट पूरी तरह से इस ब्लॉक के अंदर जाके फिट हो जाती है क्लियर तो ड्यूरिंग द दे कोलिजन देखो बुलेट आके इस ब्लॉक से कोलाइड करेगी ब्लॉक हमारा क्या था रेस्ट में था यहाँ पे देखो ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो है तो ब्लॉक हमारा रेस्ट में था आके बुलेट हमारा इसके अंदर कोलाइड हुई और इम्बिडेट हो जाती है इसके मतलब कि इसी ब्लॉक के अंदर ही बॉल हमारा बुलेट हमारा रहेगी

तो यहाँ से ब्लॉक आई सॉरी ये बुलेट आई इस ब्लॉक से कोलाइड की और इसी के अंदर इम्बेडेड रहते हुए आफ्टर द कोलिजन कॉमन वेलोसिटी से जा रही रहेगी कॉमन वेलोसिटी का मतलब कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के, के केस में इसको लिख सकते हो देखो परफेक्टली ये हमारा हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कैसे पता चला बस आप यही समझिए समझिएफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी या कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगी तो यहाँ हो गया अब यहाँ पे देखो अग अगर कोई भी कोलिजन होता है अगर कोई भी कोलिजन हो तो यहाँ पे मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है अब यहाँ से हम देखेंगे अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे कोलिजन के केस में कोलिजन के केस में मोमेंटम हमारा क्या रहता है ऑलवेज कंजर्व रहता है चाहे वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो या कोई और कोलिजन हो तो इस तरह से कोई भी कोलिजन कोलिजन हो हो मोमेंटम मोमेंटम तो तो ऑलवेज कंजर्व कंजर्व रहता है है पहली बात तो, हमारा रहेगा बट पे पे कौन सा कोलिजन हो रहा है? देखो यहाँ पे हमारे पास कोलिजन हो रहा है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन केस में सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है कानेटिक एनर्जी हमारी क्या रहती है कंजर्व नहीं रहती है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो हमारा कंजर्व नहीं रहता तो इसको देख सकते हो कि इस तरह से कानेटिक एनर्जी हमारी क्या रहती है कंजर्व नहीं रहती कानेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा चेंज होता रहता है अब यहाँ पे देखो कनेटिक एनर्जी इनिशियल था देखो अगर हम कहें इनिशियल एनर्जी के आई है तो हमारा फाइनल कैनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होगा क्योंकि हमने कहा कानिक एनर्जी हमारी होती है वो कंजर्व नहीं होती है क्लियर हो गया तो इनिशियल एनर्जी या फिर एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज नॉट इक्वल टू द कानेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन क्योंकि आप देख पा रहे हो अगर हम मान लेते इस बुलेट का मास स्मॉल एम था और ये हमारा जो ब्लॉक था इसका मास कैपिटल एम था, था तो बिफोर द कोलिजन देखो कैपिटल एम तो रेस्ट में था अब अगर इसकी कनेक्टिक एनर्जी देखोगे इस ब्लॉक की बुलेट की कितनी हो जाएगी हमारे पास हाफ एम और बुलेट की स्पीड कितनी थी वी स्क्वायर ठीक अब बुलेट की स्पीड को यू मान लो क्योंकि आपने आफ्टर द कोलिजन इसकी दोनों सिस्टम की वेलोसिटी कितना मान रखा है अभी तो इसको मान लो बुलेट की स्पीड यू थी तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हाफ एम यू स्क्वायर क्लियर हो गया तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि बिफोर द कोलिजन बिफोर द कोलिजन कानिक एनर्जी सिर्फ बुलेट के पास थी और ये हमारा रेस्ट में था इस ब्लॉक की तो कॉनेटिक एनर्जी जीरो होगी आफ्टर द कोलिजन देखो इधर इसकी कानिक एनर्जी देखो आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू मास ऑफ द बुलेट प्लस

तो यहां से देखो कानिक एनर्जी गेट्स कंजर्व नहीं होता इन इलास्टिक कोलिजन कनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी के इक्वल नहीं होती है क्लियर होगा कनेटिक एनर्जी डेफिनेटली हमारी चेंज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कंजर्व पोटेंशियल एनर्जी तो कंजर्व रहता ही है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमेशा कंजर्व रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जीरो होगी क्योंकि देखो इसी लाइन पे मोशन हो रहा होगा तो लाइन पे मोशन हो रहा होगा तो इसकी देखो पोजीशन थोड़ी ना चेंज हो रही है सिर्फ एक लीनियर मोशन करेंगे ये सब ब्लॉक ब्लॉक तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो रहेगी उसको हम बोल सकते हैं कंजर्व रहेगा

आज ही डाउनलोड करें डाउट नटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर